नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। तलैया इलाके में रविवार रात मामूली विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फैज कुरैशी इस्लामपुरा में रहता है। रविवार रात करीब 9:15 बजे साइदिया स्कूल के पास इस्लामपुरा स्थित एक होटल के सामने वह अपने दोस्त शफीक कुरैशी के साथ बैठा हुआ था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि शफीक ने चाकू निकाला और फैज के पेट में मार दिया। आसपास के लोग फैज को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। सर, एक हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? कल देर रात हॉस्पिटल से तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर से संज्ञान में आया कि सहिदिया स्कूल ग्राउंड में छुरीबाजी हुई है। पता रसी की गई तो पता चला कि फैज कुरैशी नाम के व्यक्ति को शफीक कुरैशी नाम के व्यक्ति के द्वारा चाकू मारा गया है, जिसमें से काफी गहरी चोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पीएम करवाया गया है। आरोपी पता रसी के लिए तत्काल टीम रवाना की गई थी। मौके पर भी टीम रखी गई थी कि आगे और कोई विवाद नहीं हो, और अभी सुबह आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। क्या रीजन क्या बता रहा है आरोपी? ऐसी कोई जाहिरा किसी प्रकार की वजह दोनों परिवार के लोग नहीं बता रहे हैं। पूर्व में एक दूसरे को जानते हैं और इनके मध्य में एक दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, लेकिन कल ग्राउंड में बैठ करके नशे पत्ते की हालत में शायद इनके बीच में विवाद हुआ है, और वही विवाद नहीं प्रारूप ले लिया। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका ओल्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आरोपी है वो नशीले पदार्थों का सेवन करता है। बाकी उसका और रिकॉर्ड देखा जा रहा है।